साईं बाबा ने दशहरा के दिन ही समाधि क्यों ली? साईं बाबा के दशहरा के दिन समाधि लेने का आखिर रहस्य क्या है? और इससे पहले आखिर साईं बाबा ने अंतिम समय में राम विजय प्रकरण ही क्यों सुना? इस प्रकरण में ये बताया गया है कि राम ने रावण से 10 दिनों तक युद्ध लड़ा था और विजय दशमी के दिन रावण मारा गया। रावण जिस दिन मरा था उस दिन को विजयदशमी और दशहरा का दिन कहा जाता है। इसी दिन माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था, इस कारण इसे विजयदशमी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर साईं बाबा ने दशहरे के दिन ही समाधि क्यों ली। आपको बता दें, जो शिरडी है वह अहमदनगर के राहता तहसील का एक हिस्सा है और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध शिरडी के साईं बाबा ने महासमाधि ली थी और यहां पर दुनिया भर से भक्त साईं बाबा के दर्शन को आते हैं। और साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 2:15 पर विजयदशमी के दिन महासमाधि ली थी। साईं बाबा की जो समाधि मंदिर में जो समाधि है वो 2.25 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। बाबा की शिरडी में बाबा की समाधि के साथ साथ बाबा की द्वारिका माई, बाबा के प्रिय भक्त अब्दुल भाई का मजार, साथ ही श्री साईं बाबा की चावड़ी, मारुती नंदन लेडी बाग उद्यान में हनुमान जी का मंदिर, साथ में नंदादीप और बाबा के बहुत सारे भक्त जो बाबा से जुड़े हुए थे उनकी भी वहां पर समाधि है। साथ ही वह स्थान भी वहां मौजूद है जहां पर शिरडी के साईं बाबा का नामकरण हुआ था, जिसे खंडोबा का मंदिर कहते हैं, जहां के पुजारी महालसापति ने शिरडी के साईं बाबा को साईं नाम से संबोधित किया था। साईं सच्चरित के अनुसार जो साईं बाबा थे हमारे, वो 16 वर्ष की उम्र में शिरडी आए और फिर वहीं पर रहने लगे। कहा जाता है कि दशहरा के कुछ दिनों पहले साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या जो थे वे साईं बाबा के प्रिय भक्त बायजा माँ के पुत्र थे, जो कि साईं बाबा को बहुत मानती थी और तात्या भी साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित किया करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या पाटिल को जीवन दान देने का निर्णय लिया। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का जो तापमान था वह बढ़ने लगा और साईं बाबा ने अन्न जल सभी का त्याग कर दिया। बाबा के समाधि लेने के कुछ दिन पहले तात्या पाटिल की भी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई और अब ऐसा लगने लगा था कि तात्या अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन उसकी जगह स्वयं साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन अपने प्राण त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। बाबा के समाधि लेने के 2-3 दिन पहले ही पूर्व ही मतलब बाबा ने भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया था और साईं बाबा सिर्फ और सिर्फ द्वारका माई में ही रहने लगे। बाबा ये जानते थे कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, इसलिए साईं अपने भक्तों को धैर्य बंधाते रहते थे। अब साईं बाबा ने अपने एक भक्त को राम विजया पढ़ाने का आदेश दिया और बाबा के उस भक्त ने प्रतिदिन 1 सप्ताह तक साईं बाबा को उसका पाठ सुनाया। फिर साईं बाबा ने उस भक्त को 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी और उस भक्त ने अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में ही पूर्ण कर दी। इस प्रकार 11 दिन व्यतीत हो गए और उस भक्त ने 3 दिन और पाठ किया। अब क्या हुआ, वो भक्त थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा दी गई। अब साईं बाबा एकदम शांत बैठ गए और अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। इन दिनों बाबा काका साहब दीक्षित के साथ मस्जिद में प्रतिदिन भोजन करते थे। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने उन भक्तों के साथ भोजन किया और फिर उन्हें वहां से जाने के लिए भी कह दिया। सिर्फ और सिर्फ भगोजी सिंधे, महालसापति, बायजामा और नाना सिंह निमोड़कर वहीं पर रह गए और सामा जो थे वह मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे पर बैठे हुए थे। लक्ष्मी बाई को बाबा ने 9 सिक्के भेंट किया और उसे कहा कि अब मुझे इस मस्जिद में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे तुम यहाँ से बूटी भाई के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं और हम सभी सुखपूर्वक रहेंगे।
यही अंतिम शब्द बाबा के मुंह से निकले और बाबा बयाजी के ओर झुक गए और बाबा ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। जब भगोजी ने देखा कि बाबा की सांस रुक गई है तो उन्होंने नाना साहब निमोड़कर को जोरदार आवाज लगाई और नाना साहब ने दौड़कर कुछ जल लाकर साईं बाबा के मुख में डाला जो कि बाहर निकल गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी जिन्हें वह अपने सर के नीचे रखकर विश्राम किया करते थे। दरअसल भक्तों ये ईंट उस समय की है जब साईं बाबा वैंकुंसा के आश्रम में पढ़ा करते थे। वैंकुंसा के दूसरे जो शिष्य थे वह बाबा से बैर करते थे लेकिन वैंकुंसा का साईं बाबा के प्रति आस्था बहुत ही अच्छी थी और वैंकुंसा जी ने अपने मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और वे साईं बाबा को एक जंगल में लेके गए जहाँ उन्होंने पंचांगनी तपस्या की। वहाँ पर कुछ लोगों ने बाबा और वैंकुंसा के ऊपर ईंट से प्रहार किया लेकिन बाबा को बचाने के लिए वैंकुंसा आगे आ गए और वह ईंट अपने ऊपर ले लिया। उनके सिर में ईंट लगा और ईंट से उनके सर से खून की धारा निकलने लगी जिस कारण उनके सर से खून निकलने लगा। बाबा ने एक कपड़ा लिया और उनके माथे पर एक कपड़ा बांधा। वैंकुंसा ने वही कपड़ा बाबा के सर पर तीन लपेटे लपेट दिया और कहा कि ये तीन लपेटे आपकी संसार से सुरक्षा और ज्ञान का प्रतीक है। और जिस ईंट से उन्हें चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाया और अपनी झोली में रख लिया और फिर बाबा ने उस ईंट को जिंदगी भर अपना सिराहना बनाकर रखा। सन 1918 के सितंबर माह में द्वारका माई के सफाई के दौरान बाबा के एक भक्त माधव राम से वह ईंट गिरकर टूट गई। जब सभी भक्तों ने देखा कि वह ईंट टूट गई है तो वो बहुत ही स्तब्ध रह गए और जब बाबा भिक्षा मांगकर वापस द्वारका माई में लौटे तो उन्होंने देखा जब ईंट टूट गई तो उन्होंने भक्तों को बताया कि ये ईंट मेरी जीवन संगनी थी और ये ईंट नहीं मेरी किस्मत ही टूटकर बिखर गई। और ये ईंट टूट गई तो समझो कि आपके साईं का भी समय पूरा हो गया और बाबा तब से ही महासमाधि लेने की तैयारी करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने अपने जीवन काल में भक्तों से कहा था कि दशहरे का दिन ही समाधि लेने का बहुत ही अच्छा दिन है और वह अपने जीवन काल में मतलब समाधि लेने के पूर्व ही भक्तों को ये एहसास दिला दिया था। साथ ही साईं बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना सदैव पूरा करते हैं। कहा जाता है कि अगर 9 गुरुवार तक आप साईं बाबा का व्रत करते हैं तो आपकी हर मनोकामना साईं बाबा पूर्ण जरूर करते हैं। दशहरे के दिन अगर आप साईं मंत्रों का जाप करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। विजयदशमी के दिन गुरुवार के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप बाबा का व्रत रहते हैं या फिर इन दिनों में आप बाबा की विशेष उपासना करते हैं तो साईं बाबा आपकी हर परेशानी को दूर करते हैं, आपके कष्टों को दूर करते हैं और आपके जीवन में हमेशा साथ देते हैं। आप हर गुरुवार को हो सके गरीबों को भोजन कराएं क्योंकि बाबा अपने जीवन काल में प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराया करते थे। साथ ही बाबा की द्वारका में हर भक्त हर समुदाय के लोग बैठकर भोजन करते थे, बाबा को बहुत मानते थे। बाबा के जाने के बाद भक्तों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा और भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा आज भी समाधिस्थ हैं और उनकी समाधि बात करती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप लोगों को बाबा की यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में ओम साई राम जरूर बोलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस जानकारी को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।